अस्सलामुअलैकुम। मोमिनीन के कल रात से पूरी दुनिया से इतने फोन आ रहे हैं, उन सबका शुक्रिया कि इतनी मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। वालिदे मोहतरम से पूरी दुनिया से पूरी रात फोन आए और हर मिनट पे फोन आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ शरारती अनासर होते हैं कि जो बेबुनियाद पोस्ट डाल देते हैं जिससे लोगों में तश्वीश होती है। ऐसे ही एक पोस्ट अभी डाली गई जिसका शायद इलाहाबाद से कोई कनेक्शन है, तो मैं पूरी तरह से उसको झूठ करा देता हूं। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब अभी आईसीयू में हैं, उनकी हालत अभी भी बेहतर नहीं है, लेकिन कोई सेहत में मजीद गिरावट नहीं है। ये थोड़ा पॉजिटिव एक पहलू है कि कोई गिरावट नहीं है। तो अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं, 11 बजे की ये खबर है कि उनकी सेहत जो है अभी तश्वीशनाक है, लेकिन कोई मजीद गिरावट कल से नहीं हुई है। ये एक पॉजिटिव रुख है। और इसके साथ ही साथ मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि जब तक ये तहकीक ना कर ले, किसी भी न्यूज पर जो फेक न्यूज उड़ाई जाती है उन पर यकीन ना करिए। आपको इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन जानकारी दी जाती रहेगी। एक बार फिर मैं दुनिया भर के मोमिनीन जो इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत और इतनी शफकत और इतने दिली लगाव का इजहार कर रहे हैं, सबका शुक्रिया। इतनी मोहब्बत करने वाले जिसको मिले वाकई वो खुशनसीब होता है, और उनकी खिदमात ऐसी हैं, उनका खुलूस ऐसा है, कौम के लिए जो उन्होंने तामीरी काम किए हैं वो ऐसे हैं कि जिसके सिले में इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत और इतनी शफकत मिल रही है। तो फिर मैं एक बार गुजारिश करता हूँ, किसी अफवाह पर यकीन ना करिए जब तक कि कंफर्मेशन ना हो। उनकी तबीयत अभी भी सही नहीं कही जा सकती, लेकिन डॉक्टर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान खपाए हुए हैं। उसके साथ साथ ही आपकी दुआएं, इंशाल्लाह हमको अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि एक मौजज़ा होगा और उनको एक नई जिंदगी मिलेगी। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।